आज जो CITU से संबंधित यूनियन है मैक्स कंपनी की और रेलवे का जो काम चल रहा है, इसके संदर्भ में हमने आज एक गेट मीटिंग का आयोजन किया है। और यहाँ जो सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से, लगातार उनका शोषण जारी है। शोषण इस रूप में है कि 12 घंटे काम करवाने के बावजूद भी उनको 12 घंटे का वेतन नहीं दिया जाता है। टनल में काम करवा रहे हैं, टनल का अलाउंस नहीं दिया जाता है, छुट्टियों की कोई सुविधा नहीं है, प्रोविडेंट फंड में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, कई कई महीनों तक प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा नहीं होता है, मेडिकल सुविधा उस तरीके से लागू नहीं है, कैंपों की स्थिति भी उस तरीके से कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये सारे मसलों को लेकर जो एक संघर्ष चल रहा है, आज उसका आगाज़ हमने किया है। लेबर ऑफिस चंडीगढ़ के अंदर भी वार्तालाप चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के अंदर एक कानून है, न्यूनतम वेतन का कानून है, प्रोविडेंट फंड का कानून है, छुट्टियों का कानून है, मेडिकल का कानून है, टनल अलाउंस या टनल वेज देने का एक कानून है। इन सारे कानूनों की सरेआम जो हत्या की जा रही है, उसका जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, श्रम विभाग कहाँ है, सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, ये सारी लूटपाट चल रही है सीधे सीधे रूप में। करोड़ों करोड़ों रुपया जो है मजदूरों का ऐड कर जो है कंपनी अपना मुनाफा बढ़ा रही है। तो इसलिए आज की गेट मीटिंग करने का वास्तव में यही उद्देश्य था कि हम कंपनी को एक संदेश पहुंचाएं कि अगर जो है आप देश के कानून को लागू नहीं करेंगे, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई मांग हमने नहीं की है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देश का कानून लागू होना चाहिए। कानून हर व्यक्ति के लिए लागू करना आवश्यक है, उसमें मैक्स कंपनी को कोई रियायत नहीं है, उसे हट नहीं सकते हैं पीछे। तो अगर ये कानून को लागू नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से आंदोलन तेज होगा। संघर्ष का आगाज़ हमने कर दिया है, गेट मीटिंग करके जो है सैकड़ों मजदूरों को लामबंद किया है, और आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन में तो हड़ताल की ओर भी आगे बढ़ेंगे और एक लंबे आंदोलन की ओर भी आगे बढ़ेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जो है कंपनी प्रबंधन की होगी, श्रम विभाग की होगी और प्रदेश सरकार की है। कि आज हिमाचल प्रदेश सड़क एवं भवन निर्माण मजदूर यूनियन, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी ये ब्रांच हमारी यहाँ पे जो मैक्स कंपनी में हमारी यूनियन बनी है मजदूरों की, क्योंकि यहाँ पे आज गेट मीटिंग थी हमने की, और गेट मीटिंग में हमारे राज्य के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा जी और प्रेम गौतम जी आए, मैं जिला का संयोजक हूँ विजय शर्मा, पूर्व जिला परिषद मेंबर। बट ये जो यहाँ पे जो कंपनी ने कई सालों से कई महीनों से जो काम चला हुआ है, इनमें जो लेबर श्रम कानूनों की उल्लंघना कर रहे हैं और लेबर लॉज की वायलेशन करने लगा था, जिसके विरोध में गेट मीटिंग थी। और बड़े हैरानी की बात है, यहाँ पे न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता, यहाँ पे वेतन की पर्ची नहीं दी जाती, यहाँ पे जो PF की पर्ची नहीं दी जाती, यहाँ पे जो है आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिए जा रहे, यहाँ पे हाजिरी कार्ड नहीं दिए जा रहे, और घोर जो है लेबर लॉज की वायलेशन हो रही है, जिसके खिलाफ CITU ने इनको कायदा तौर पर इनकी कंसल्टेशन में समझौता वार्ता चंडीगढ़ में ARC चंडीगढ़ जो सेक्टर 9 में है केंद्रीय भवन में, वहाँ पर शुरू हो गई है। बट या गेट मीटिंग हमारी शुरुआत है, हम कंपनी से या प्रशासन से विनती करना चाहते हैं कि इस कार्य को, जो मजदूरों का शोषण ना हो, इसके लिए लगातार सरकार संपर्क में रहे और सरकार संजीदा तरीके से इसको लागू कराए, अदरवाइज ये और तीखा संघर्ष में जाने को तैयार है। जरूरत पड़ी तो इसमें और भी संघर्ष को तीखा किया जाएगा, क्योंकि मजदूरों का बड़ा शोषण है और मजदूर जो है यहाँ पर इनको पूरा इनका इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रही, उनका जो ओवर टाइम के पैसे डबल नहीं मिले, कानून के अनुसार नहीं मिले, ये सारी बातें आज गेट मीटिंग में यहाँ पर हमारे नेताओं ने रखी है। उसके लिए जो है CITU लगातार संघर्ष भी करेगी, और मैं समझता हूँ कि कंपनी इस बात को समझेगी कि CITU से जो काम जो बात चली हुई है इनकी, तो उसको टाइमली बैठ कर उनको निपटा लें और प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करें। अगर ये ढीलमूल करेंगे तो प्रोजेक्ट भी लंबा जाएगा, हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट मजदूरों के मेहनत के काम के बिना इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। आज भी समझ लें, कल भी समझ लें, परसों भी समझ लें। धन्यवाद। वेलकम टू द प्रीमाइसेस ऑफ सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एवरी डे एट सेंट थॉमस इज लाइक अ ब्लेसिंग विद एक्टिव स्टूडेंट्स एंड बेनाइन हायर अथॉरिटी। स्पेशल की फीचर्स आर द वैल्यूज एंड मॉरल्स, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, well-equipped technology-aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve. An ideal place for learning. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141। महंगाई की मार पर अब होगा वार,
पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट, कॉन्टैक्ट 9614196141।